केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। गरीबों की जो सुने पुकार, उसे ही चुने अब की बार। मुखिया चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी प्रत्याशियों का पंचायत के घर घर जाकर अपने लिए मतदान मांगने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रत्याशी गांव के उत्थान करने के वादे दे रहे हैं। गांव के विकास के लिए एक मुखिया का ईमानदार होना जरूरी होता है। इस समय हम बात कर रहे हैं सनहोला पंचायत की, जहां देखा गया कि मुखिया प्रत्याशी प्रभा देवी गाँव के लोगों के घर घर जाकर मिल रही है और उनकी समस्या पर बात कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में अगर उन्हें मुखिया बनाया जाएगा तो वो जरूर सभी समस्याओं का हल करेंगी। यहाँ गांव वालों को भी देखा गया कि वो प्रभा रानी का साथ देने के लिए सहमति दे रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक महिला मुखिया हो जो सभी की भावनाओं को समझ सके। आइए देखते हैं एक झलक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।